हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका भरा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, 734 पे 1.1112% का आपका डाउन साइड मूवमेंट है। डाउन साइड थोड़ा बहुत होगा, किस लिए होगा ये मैं बात कर रहा हूँ। इसका डिमांड कम नहीं हुआ, इसका प्रोडक्शन कम नहीं हुआ, इसका प्राइस कम नहीं हुआ, स्टील में रिक्वायरमेंट है। आपको पता है, एक टन टीन स्टील बनाने के लिए तीन केजी आपका इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का चाहिए। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रो टेम्पोरली शट डाउन ऑपरेशन इन अम्बत का जो आपका प्लांट है, वो उसको बंद किया गया है 12 मई से लेकर 23 मई तक। तो ये एक न्यूज़ निकल के आया है अम्बत और नासिक का। ये कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, नासिक कलेक्टर ऑफिस की तरफ से अम्बत और नासिक का शट डाउन होगा, देख सकते हो, 12 मई से लेकर 23 मई तक, मिडनाइट 23 मई, मतलब 24 मई तक आप बोल सकते हो इसमें आपका रहेगा सब कुछ बंद। तो इसलिए आपका ये कंपनी का इम्पैक्ट आ रहा है, स्टील के भी प्राइस गिर रहा है और ग्राफाइट का भी शेयर अभी गिर रहा है दोस्तों। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अपना कैश में रख दो आपका पैसा और 24 मई के बाद से आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टील में भी इसीलिए ग्रोथ आ रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपका ग्राफाइट का बंद हो रहा है और स्टील प्रोडक्शन के लिए ग्राफाइट मस्ट है दोस्तों। एंट्री पॉइंट बेस्ट है, RSI कम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कम है, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट जोन में है नहीं, AGM लिस्ट में है नहीं, डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करता है, रिटर्न ऑन FD से कई गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देता है। तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, मैनेजमेंट सही है, डिमांड कुछ कम नहीं हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टील का रेट कम नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ स्टील का आपका कमोडिटी प्राइस को एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा है, डिमांड कम नहीं हुआ दोस्तों, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करके रखे हो तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। मेरे ख्याल से अभी इसको सेल करके फ्रेश बाई के लिए आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये 24 मई के बाद आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब एक बार फिर से आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये एक बेस्ट वीडियो में बनाने का कोशिश किया हूँ दोस्तों, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड की तरफ से जो अभी न्यूज़ निकल के आया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सबसे बड़ी बात है कि आप ही का चैनल मनी मेकर को सब्सक्राइब करो ऐसे अमेजिंग वीडियो लाने के लिए, देखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में 3.27 करोड़ का आपका ये आपका रेवेन्यू, 1000 करोड़ का रेवेन्यू दिया है और प्रॉफिट हुआ 0.04%। और बेस्ट है 2021 में देखना 8 करोड़ से भी, 2019 के जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था उसको भी बीट करने वाला है दोस्तों, उसका भी आया नहीं है, उसका अपडेट होने दो। तो अभी थोड़ा सा अवॉइड शॉर्ट टर्म के लिए करना सही है मेरे ख्याल से इस स्टॉक से, क्योंकि आपका स्टील सेक्टर में भी इसी के कारण इसका दो दो प्लांट बंद हो गया महाराष्ट्र में। तो और महाराष्ट्र में ये नासिक वाला प्लांट जो बंद किया है, लॉकडाउन लगा है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्यूबिक मेट्रिक टन आपका इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस होता था पर डे और वो डायरेक्ट स्टील फैक्ट्री में जाता था। जो नासिक, देखो डिवीजन ऑफ नासिक भी बंद कर दिया है 23 मई तक। तो ये एक थोड़ा बहुत टेम्पोररी बेसिस पे एक प्रेशर क्रिएट होगा आपका इलेक्ट्रोड ट्रेड्स में और इलेक्ट्रोड शेयर में। तो आप अपना शेयर करो फ्रेंड के साथ और बने रहो अपना वीडियो और आपका